press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन किया गया। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग ही बचाव है। यह संदेश प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी दिया। लॉकडाउन में घर में रहकर किस तरह समय व्यतीत करें, इसकी एक मिसाल अलवर में देखने को मिली, जहां मनुमार हाउसिंग बोर्ड में साधना मोहित माथुर ने कोरोना जैसी महामारी खत्म करने व कर्म योद्धाओं को जो इस महामारी में अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना संक्रमितों की जान बचाने में लगे हैं, उनकी हौसला अफजाही के लिए और प्रभु से आराधना की जा रही है, वो भी हाईटेक तकनीकी से। यहाँ हर मंगलवार और शनिवार को 2 घंटे का सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया जाता है, जिसमें ऑनलाइन जूम नामक ऐप के जरिए विभिन्न देशों में भारत के अन्य शहरों में बैठे परिजन भी वीडियो कॉलिंग में इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और अपने अपने घर बैठकर लॉकडाउन में प्रभु का स्मरण कर इस विषम परिस्थितियों में भजन कीर्तन कर रहे हैं। अभी नवरात्रों के दिनों में हम लोग सब इकट्ठे हुए घर, हम परिवार के जन ही थे। उधर मेरी मदर अहमदाबाद में रहती, उनकी थोड़ी तबीयत खराब हुई तो मुझे लगा कि उनको कुछ कमी लग रही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम सब लोग घर के परिवार के जन मिलके हम ये भजन करें। और इसमें हमारे प्यारे बच्चों ने बहुत सहयोग किया, क्योंकि आजकल की टेक्नोलॉजी तो की जानकारी तो उन्हें ही ज़्यादा है, तो उन्होंने हमें ये रूम ऐप की जानकारी दी और उनको सभी जगह पे आईडी भेज के सबसे हमें कनेक्ट किया। हमारे रिलेटिव्स हैं फिलीपींस, चंडीगढ़, अहमदाबाद, जयपुर, मुरादाबाद, बहुत दूर दूर सभी लोग एक साथ जुड़ गए। शुरुआत में तो ऐसा लगा, थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन बाद में देखा तो हर जना तैयार लेके बैठा होता था अपना भजन, और सब लोगों में ये होता था कि अब मेरी बारी कब आएगी। मेरी मदर 86 इयर्स ओल्ड हैं, मौसी हैं वो भी इतनी एजेड हैं, उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन जैसे ही ये माहौल बना उनमें एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी आ गई, एक जोश आ गया कि नहीं, हमें 3 बजे तैयार होके बैठना है और जुड़ना है और ये भजन करना है। और सबको पता है कि अभी इस समय हमारा देश बहुत ही बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा है, कोरोना की महामारी ने हम सबको घेर लिया है, तो इसी के लिए हम बाहर जो कर्मवीर काम कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट वाले हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, और जो संक्रमित हैं उनके लिए, उन सब के लिए हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर हमें शक्ति दे इस महामारी से लड़ने की और इससे जूझ के बाहर निकलने की। अभी मेरी बेटी के बोर्ड के एग्ज़ाम थे तो मैंने एक छोटी सी कविता उसको पढ़ाई थी, आत्मत्राण, तो उस समय तो मुझे उसका मतलब थोड़ा बहुत समझ में आया, लेकिन अभी मुझे प्रैक्टिकल ये समझ में आ रहा है कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की ये कविता है कि मेरे त्राण करो अनुदिन, तो
तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे तरने की हो शक्ति अनामय। तो ईश्वर से हम सिर्फ ये प्रार्थना करते हैं कि आपने हमें तकलीफ परेशानी दी है, लेकिन हमें सिर्फ शक्ति दो कि हम इससे जूझ पाएं और इस परिस्थितियों से निकलकर पुनः हम, हमारा देश विविधता में एकता का प्रतीक है और हम सब जानते हैं कि हम, मोदी जी हमारे लिए सब इतना कर रहे हैं, तो इसलिए हम सिर्फ यह प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ घर में बैठ के और सबके साथ अपने परिवारजनों से जुड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी इस बुरी बीमारी से दूर, हमें भगवान शक्ति दें और इन परिस्थितियों से हमें। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.